आर वॉचिंग डी एस सी टेक। क्या आपका पीसी स्लो हो गया? सो आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उनमें से कोई चीज़ नहीं करते हो सो अपने पीसी के अंदर वो चीज़ें ज़रूर करना। सो यस, आपको हर हफ्ते अपने पीसी के अंदर सिक्योरिटी स्कैन करना है, जिससे पता लग जाएगा कि आपके पीसी के अंदर वायरस है या नहीं। क्योंकि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो आपके पीसी को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, चाहे वो हो स्टोरेज के मामले में, रैम स्लो हो जाती है आपके फ़ोन की, स्टोरेज पीसी की स्टोरेज लो हो जाती है, आपका जो विंडो 10 विंडो 7 कोई सा भी है उसके अंदर सिस्टम वो उसमें लैग आने लग जाता है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी के अंदर सिक्योरिटी स्कैन हर हफ्ते मारना ही मारना है। सेकेंड ट्रिक, अगर आप अपने पीसी को स्टार्ट कर रहे हो, सो कई लोग होते हैं जो स्टार्ट करने के बाद अपने पीसी को रिफ्रेश नहीं मारते। सो रिफ्रेश मारने से वैसे कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, बट अगर आप अपने पीसी को एक सिस्टम को ऑन करते हो और फिर आप रिफ्रेश मारते हो तो आपका सिस्टम ऑन होने के बाद एक बार ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है, जिससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और उससे आपका लैग एक दो लैग भी कम हो जाते हैं कई बार। सो करा करो, रिफ्रेश करा करो, जब भी आप पीसी ऑन करो तो एक दो बार रिफ्रेश कर लिया करो। थर्ड, आप अपने पीसी के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर मोड एपीके मत करा करो। क्यों? मोड एपीके से आपको जो चीज़ें वो फ्री मिल जाती है, वो बात सही है, बट ज़्यादातर मोड एपीके के अंदर आपको वायरस देखने को मिलता है और वायरस आपके सिस्टम के अंदर उसके आपको पता ही है कितनी सारी चीज़ें आपकी फाइल्स करप्ट कर देगा, आपके कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे करप्ट कर देगा, आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसे करप्ट हो सकती है, आपका सिस्टम लैग करने लग जाएगा, आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। सो इस वजह से आपको मोड एपीके डाउनलोड नहीं करना चाहिए अपने पीसी के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर मोड एपीके जो होता है उसके अंदर आपको वायरस देखने को मिलता है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। फोर्थ ट्रिक, आपको क्या करना है, अपने पीसी को हर महीने एक महीने के अंदर आप एक बार उसे ओपन करके चेक करो कि उसके अंदर कोई फालतू की जंक फाइल्स नहीं है, कोई ब्लॉटवेयर डाउनलोड कर लिया, जैसे आप कोई एप्लीकेशन खोल रहे हो आपने गलती से वो डाउनलोड कर लिया, फिर आप डिलीट करना भूल गए तो वो आपके पीछे में पीसी में पड़ा रहेगा और आपके पीसी के अंदर वो स्टोरेज को स्लो करेगा। सो स्टोरेज को खाली रखने के लिए आपको वो स्कैन करना है, चेक करना हर महीने एक महीने के अंदर एक बार, तो आप स्कैन करना है अपने पीसी को कि अच्छा ये फाइल काम की नहीं है, इसे डिलीट मार दो, ये ब्लोटवेयर है इसे डिलीट मार दो। इससे क्या होगा, आपके पीसी की जो स्टोरेज टाइप है वो फास्ट हो जाएगी, इससे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, आप कोई चीज डाउनलोड करोगे वो आपकी काफ़ी सही हो जाएगी। जी जी, नेटवर्क नहीं होगा बट उसके अंदर जो कन्वर्टिंग करोगे या फिर आप कोई चीज़ें अपने सिस्टम के अंदर लाओगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सही एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फोर्थ ट्रिक, आप अपने पीसी को एक महीने में एक बार तो फिज़िकली या फिर आपके पास लैपटॉप है सो लैपटॉप को भी क्लीन करो अंदर से ढंग से, उसे एक बार क्लीन कर लो। पीसी है तो अपने सीपीयू को ढंग से क्लीन करो, इससे क्या होगा उसके पार्ट्स क्लीन रहेंगे, सो उसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी और कई सारी चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स उसे साफ़ करो, जिससे उसका जो हार्डवेयर है ढंग से वर्क करेगा और आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो ये चीज़ कई सारे लोग करने में आलस कर जाते हैं कि क्या साफ़ करें इसको, हल्का सा बस टॉप से कपड़ा मार दिया बस हो गया काम, लेकिन ढंग से साफ करो उसे एक महीने के अंदर एक बार तो कर ही सकते हो। सो यस करो। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी टेक वीडियोस के लिए और वीडियो को लाइक कर दो।